देखिए, हम छात्रों माने जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके पहचान उनके लिए काम करते हैं, जल्दीबाजी में कोई काम ना करें और किसी का बहकावा भी नहीं आए। दो बात इन लोगों को हम कहना चाहिए। हमारे साथ एक घंटा से ज्यादा समय तक हम उन लोगों से बात किए। हम भी झारखंडी हैं, मूलवासी हैं, हमें भी तकलीफ है कि झारखंड में आज तक सरकार में, पहले भी सरकार में रहने में आज तक हम लोगों को उनके लिए कोई जो नियोजन नीति नहीं बना पाए। और झारखंड के बच्चे हमेशा सफर कर रहे हैं, सफर तकलीफ कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसका निराकरण जल्दी होना चाहिए। और हमारी सरकार ने नया नियोजन नीति लाकर 12 एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था सारे लोगों को जो देने के लिए, 5 लाख लोगों को रोजगार देने के बदल नहीं हो पाया, खुद में निरस्त हुआ। सारी बात आप लोग जानते हैं, उस बात पर जानना नहीं चाहूंगा। उस दिन इसी बातों को लेकर उन लोग आए, हमने उन लोगों को कहा कि हमारी कोशिश यही रहेगा कि झारखंड से अधिक बच्चों का नियोजन हो, बाहर के लोग आकर यहाँ पर कब्जा ना करें, इस दिशा में सरकार प्रयास करता है। तो बातचीत होने के बाद उन लोगों ने, बातचीत के क्रम में सारी बात आई। भारतीय जनता पार्टी, उन लोग खुद कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और आईएसओ हमको हैजा करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं चाहते। उन लोग उन दिन चला गया, हम लोग नहीं करेंगे। और वो जो डिमांड हमको दिए थे वो हम दे दिए थे। उसमें मेन एक चीज था, सबसे महत्वपूर्ण था, वो था कि ऐसा एक सब्जेक्ट बनाया जाए जिसका प्रश्न आए जो झारखंड को जानता है। अगर ऐसा आ जाएगा तो हो सकता है कि ये सब रुक जाएगा। और हमारा पॉलिसी 1932 है, लेकिन हम 1932 सेंटर से होकर आते आते क्या इन बच्चों को हम छोड़ दें मजदार में? कुछ लोगों का रोजगार नहीं हो। हमारा देखिए, हम लोग जितना भी 2 साल हमारा कोरोना में गया, हमने नए नियोजन नीति लगाए हम इनको देने के लिए, फिर रद्द हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, फिर इनके हित में काम किए। और जो बोले थे कि हम इसी महीने में जो निकालेंगे एडवर्टाइजमेंट निकाल, इसीलिए देखिए हम उन लोग को कहना चाहेंगे, ठीक है उनका आक्रोशित होने स्वाभाविक है। कभी वो रोज रोज घूम रहे, सड़क पर घूम रहे, उसके कोई रोजगार नहीं है, रोज आश्वासन मिलता है, उसका निराकरण नहीं हो पा रहा, एक तकलीफ है, उनकी तकलीफ को हम समझते हैं। लेकिन हम इतना ही नौजवानों को कहना चाहिए, पेशेंस ना खोए, धैर्य रखिए और मैंने जल्दीबाजी में कुछ ना करें, यही सलाह देंगे। हमारी सरकार झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए और यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।